YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन शेयर्स को जिसको आपको इस गिरावट में बाय करना चाहिए, वैसे शेयर जो आपको इस प्राइस पे हो सकता है दोबारा भविष्य में कभी ना मिले। तो वैसे तीन बेहतरीन शेयर इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये ब्लू चिप कंपनी के शेयर हैं। निश्चित रूप से आपको इस गिरावट का बेनिफिट लेना चाहिए, आपको इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। अब देखिए तीन जो बेहतरीन खूबसूरत शेयर है उसमें पहला HDFC। इस कंपनी का कोई भी टक्कर का कंपनी नहीं है, कोई भी इसके जोड़ के कंपनी नहीं है हाउसिंग सेक्टर में। साथ ही साथ ये कंपनी HDFC ग्रुप की पैरेंट कंपनी भी है, समझिए डबल सिक्योरिटी मिलता है। आपको इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में निश्चित रूप से रखना चाहिए। ये स्टॉक काफी सस्ते प्राइस मिला, इसका ऑल टाइम हाई देखें 3000 का है, जबकि ये हमें मात्र 2300 रुपये पे अभी स्टॉक्स मिल रहा है। नीचे तो ये स्टॉक्स काफी नीचे आया था, 2050 रुपये तक आया था। निश्चित रूप से ये स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लायक है, काफी डिस्काउंट प्राइस पे हमें ये स्टॉक्स मिल रहा है। अभी आप इस स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं, काफी बेहतरीन ये कंपनी है। और अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो जो 2365 रुपया ये इसका रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है निश्चित रूप से एक जबरदस्त यहाँ पर रैली आ सकता है इस स्टॉक्स में। फिलहाल जो इसका मोड है वो बेयरिश मोड ही है, लेकिन हर गिरावट में हर डीप में इस ये स्टॉक्स बाय है। देखिए अगर इसका चार्ट पैटर्न देखें, टेक्निकल एनालिसिस देखें, ये पूरी तरह से बेयरिश मोड में है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें मिल रहा है लोअर लो और लोअर हाई। ये हाई बनाया, ये देखिए ये हाई जो बनाया, ये जो दोबारा हाई बनाया और ये इससे नीचे है, तो लोअर हाई लोअर लो। अब देखिए ये जो लो बनाया पिछले लो से नीचे है, फिर ये जो हाई बनाया पिछले हाई से नीचे है, फिर यहाँ पर देखिए ये लो बना, फिर ये हाई बना, फिर ये लो बना, फिर ये हाई बना, फिर ये लो बना, फिर ये हाई बना। तो यहाँ पर लगातार हाई जो बन रहा है वो लोअर बन रहा है, लो जो बन रहा है वो भी लोअर बन रहा है। तो निश्चित रूप से ये स्टॉक्स बेयरिश मोड में है, लेकिन हम जो यहाँ पर जिस लेवल पे बात कर रहे हैं ये बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल लेवल है। 2000 रुपीज के नीचे जाना इस स्टॉक्स के लिए अभी पॉसिबल नहीं है, तो आप इस स्टॉक्स को इस लेवल पे निश्चित रूप से ऐड कर सकते हैं। काफी बेहतरीन लेवल पे, काफी बेहतरीन प्राइस पे ये स्टॉक्स आपको मिल रहा है, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए भी बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पर हर गिरावट पे हर डीप पे इस स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। अब दूसरा जो स्टॉक्स है वो है ब्रिटानिया, काफी बेहतरीन शेयर, काफी जबरदस्त कंपनी का बिजनेस है। लेकिन ये भी स्टॉक्स देखिए यहाँ पर ये अपना हाई लगाया था सितंबर 2021 के बाद ये स्टॉक्स लगातार देखिए बेयरिश मोड में है, लगातार ये स्टॉक्स नीचे ही आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर बाउंस बैक हमें देखने मिला था जनवरी 2022 में, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक्स उसके पहले और उसके बाद लगातार नीचे ही जा रहा है सितंबर 2021 के बाद। तो निश्चित रूप से ये स्टॉक्स जो है अभी काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल रहा है, और ये स्टॉक कभी भी बाउंस बैक कर सकता है, कभी भी ये तेजी दिखा सकता है। ऐसे भी यहाँ पर देखिए स्टॉक लगभग 3060 रुपीज के आसपास आया था, वहां से काफी ज्यादा ये ऊपर जा चुका है। तो हर गिरावट में ये स्टॉक्स भी बाई है, और इसका जो इंपॉर्टेंट जो रेसिस्टेंस लेवल रहने वाला है वो है 3400 का लेवल, जो 3400 रुपये का लेवल है ये इसका इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल होगा, क्योंकि ये पहले एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। तो 3400 रुपये के ऊपर जैसे ही निकलता है वैसे ही ये स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी आपको देखने मिल सकता है। और इसका ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये लगभग 4150 रुपीज का है, तो इसका ऑल टाइम हाई प्राइस भी काफी ऊपर है। तो जो अगला शेयर है वह है हिंदुस्तान यूनिलीवर, काफी जबरदस्त काफी बेहतरीन शेयर। और ये देखिए ये शेयर भी काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड में जा चुका है, तो काफी ज्यादा नीचे ये शेयर भी अभी ट्रेड कर रहा है। अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये है 2855 रुपीज का, और अभी बात करें तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है मात्र 2070 रुपीज के आसपास, तो काफी ज्यादा डिस्काउंट प्राइस पे ये स्टॉक मिल रहा है, लगभग 800 रुपीज का यहाँ पर हमें डिस्काउंट मिला है। तो क्यों ना हम इस शेयर को बाय करें, ऐसे बेहतरीन जो कि FMCG सेक्टर की लीडर कंपनी है, और इसका यहाँ पर अगर गिरावट में बात करें तो 1900 रुपये तक ये स्टॉक्स आ चुका था, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दिया था, मतलब कि हम इसको पोर्टफोलियो में ऐड करें। तो आप अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक्स को ऐड करके चल सकते हैं। अगर इसके इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल की बात करें तो इसका जो इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है वो है 2300। जब 2300 के ऊपर जाएगा स्टॉक्स तो जबरदस्त तेजी आपको ये स्टॉक्स दिखा सकता है।
सपोर्ट की बात करें तो हर गिरावट में, हर डिप में ये स्टॉक्स बाय है, काफी ज्यादा डिस्काउंट प्राइस पे ये स्टॉक्स मिल रहा है। वैसे इसका जो सपोर्ट लेवल होगा इसका ये लो होगा, ये जो हमें गिरावट में लो बनाया है 1900 रुपये का, ये लो जो है इसका इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। अतः इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल भी और सपोर्ट लेवल भी मैंने आपको बता दिया, 2300 रुपये इसका इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा और 1900 रुपये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। इसके बीच ये स्टॉक साइडवेज रह सकता है, जैसे ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो ज़बरदस्त आपको तेजी देखने मिलेगा, और अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने मिल सकती है। कोई बड़ी गिरावट या बड़ा करेक्शन इस स्टॉक में संभव नहीं है, तो आप हर गिरावट में इस स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चलिए। तो ये तीन जो ब्लू चिप कंपनी है ये हर गिरावट में यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने के लायक है, और ये तीन बेहतरीन शेयर हमेशा आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए अगर आप पोर्टफोलियो को सेफ एंड सिक्योर रखना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बेहतरीन शेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।